मुंबई पुलिस द्वारा विविध रंगों के स्टिकर वाहनों पर लगाए जाने आदेश पर रोक लगा दी गई है। मैं अफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 23 अप्रैल शुक्रवार के रोज राज्य महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कारण पाबंदियों के दौरान आपात एवं आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसलिए हाल ही में पिछले सप्ताह मुंबई पुलिस ने विविध रंग के कोड वाली स्टिकर की व्यवस्था को आरम्भ किया था, जिसे अब निषेध और जिस पर रोक लगा दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य की पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान वाहनों के अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला आवाजाही के लिए ई पास प्रणाली को पुनः आरंभ कर दिया है, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है। कुछ लोगों द्वारा विविध रंग के स्टिकर और ई पास प्रणाली एक ही समय पर दो प्रकार की प्रणाली को लेकर नाराजगी जताई गई थी। लोगों के बीच इस दो प्रणाली को लेकर भ्रम पैदा हो गया था, जिसके कारण विभिन्न रंगों के कोड वाली स्टिकर व्यवस्था को बंद करने का निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को पुलिस आयुक्त परिचालन की ओर से जारी किया गया आदेश और महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने आपात एवं आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों के लिए पूरे राज्य में ई पास की व्यवस्था शुरू कर दी है और विविध रंगों वाले कोड स्टिकर की व्यवस्था को रोकने के फैसले की जानकारी मुंबई पुलिस के सभी पुलिस अधिकारियों को दे दी गई है। इसलिए राज्य की पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे ई पास का उपयोग केवल तभी करें जब उन्हें किसी महत्वपूर्ण कारण से यात्रा करनी पड़े। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।